पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आज आटे का पिज़्ज़ा। तो आपने मार्केट में मैदे का पिज़्ज़ा खाया है, आज आटे का बना के देखिए। तो इसके लिए हमें जो जो चाहिए वो है 8 बाउल आटा, ये करीब 250 ग्राम आटा है, इसको मैंने एक बड़े बाउल में डाल लिया है। और हमें चाहिए थोड़ा सा दही, जितना मेरा बाउल था उसका करीब पौना, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दही, आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, ग्रेप्स, अंगूर हैं जिसको मैंने धो लिया है, इसको हम काट लेंगे बाद में अभी, पनीर जिसको कि हम इस पर ग्रेट करेंगे अच्छे से बाद में, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए सब्जियों में शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, इसको भी हम सब काट लेंगे, और जो गाजर है उसको छील के अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले आटा ले लेते हैं जो हमने बाउल में, बड़े बाउल में डाल दिया है। इसमें सबसे पहले दही डाल देंगे, नमक और चीनी डाल देंगे और बेकिंग पाउडर। अभी पहले थोड़ा सा इसको, आटे को हम कर लेते हैं ठीक, दही को हम इकट्ठा कर लेते हैं इसमें, उसके बाद हम इसमें सोडा डालेंगे। अब बीच में हल्का सा ऐसे करके सोडा डाल देंगे, इसको अच्छे से हम मांड लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली घर में आटा मांडते हैं, आटे को गूंथते हैं। देखिए हमने इसको अच्छे से मांड दिया है, देखिए इस तरह से। हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था इसमें कि जिसमें अच्छे से ये मंड जाए, अच्छे से रूठ जाए। अब इसको हम ढक के रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए। तो हमने अभी आटा गूंथ के रख लिया है, इसमें हमारी 2 लोई बन जाएंगी, एक ये और एक मैंने बेल के रखा है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और जो हमारी सब्जियाँ थी वो सब मैंने कट कर दी हैं इस तरह से। ये हमारा शिमला मिर्च है जो मैंने पूरा काट दिया था, इसे बीज हटा दिए हैं, बीज नहीं है इसमें। ये गाजर है जो मैंने कद्दूकस कर दिया था, और ये पनीर है जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ग्रेप्स हैं जिसको मैंने 4 पीसेस में कट कर रखा है इस तरह से, और ये टमाटो सॉस। तो हमने जो लोई थी हमारी आटे की वो हमने एट ली थी, उसको बेल लिया है जैसे आप नॉर्मली बेलते हैं, बस थोड़ा सा ये इतना जो एक्स्ट्रा साइड से है वो इतना करीब मोटा रहेगा, मतलब ये जो पूरा है वो इतना करीब मोटा आपको बेलना है। अब इसको आप हल्का हल्का ऐसा फोर्क से कर लीजिए, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे क्या है, जो आटा है आप जब तवे पर बनाने के लिए डालेंगे तो वो फिर फूलेगा नहीं, ना तो ये फूल सकता है। और साइड से इस तरह से हल्का हल्का थंब से ऐसे प्रेस कर दीजिए इस तरह से। इससे क्या होगा, जो आपकी टॉपिंग्स भरी जाएगी वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, उससे थोड़ा थोड़ा अंदर ही आपका ये सारा जो सामान है सब, जैसे शिमला मिर्च, सब्जियाँ वगैरह, ये सब बाहर नहीं आएंगी। इस तरह से हल्का हल्का थंब से ये कर लीजिए, देखिए हल्का सा इसमें ये यहाँ से ये साइड उठा हुआ आ रहा है। अब आप गैस ऑन कर लीजिए, तवे को हल्का गर्म होने दीजिए, तवा हमने गर्म होने रख दिया है। अब इस पे हल्का सा ऑयल डाल देंगे तवे के ऊपर, ये हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर जो हमारा ये बेला हुआ, जो हमने बेला हुआ पिज़्ज़ा है उसको डालेंगे। ये ध्यान रखना है जो हमने कांटे से करा है वो हमारा पार्ट ऊपर रहना चाहिए। ये हमने डाल दिया है, अभी इसको हम सेकने देंगे करीब 1 मिनट, हमने करीब 1-1.5 मिनट तक बस इसको सेकना है, और वो भी हल्की गैस पर ही। अब हमने गैस बंद कर दी है, और अब हम इसको उतार लेते हैं हल्के हाथ से, जो नीचे वाला पार्ट है उसी को हम प्लेट के ऊपर उतारेंगे। ये ध्यान रखना है जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको नीचे ही रखना है। अब
गैस हमने बंद कर दी है। अब हम क्या करेंगे, आराम से इसको पलट देंगे और जो हमारा सिका हुआ पार्ट था उसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। अब इसके ऊपर कैप्सिकम, रेड की हुई गाजर, पनीर। पनीर को हम बहुत अच्छे से इस पर फैला देंगे। ग्रेप्स भी डाल देते हैं, ग्रेप्स से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, खट्टा मीठा सा। इसको अच्छे से हमने इसके ऊपर प्याज भी डाल दिया है इस तरह से। अब अच्छे से पनीर डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल हो गया है, ग्रीन, रेड, वाइट। आप अपनी इच्छा से ज़्यादा पनीर, ज़्यादा सब्ज़ियाँ भी कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसको जो नीचे वाला पार्ट है वो अब मीन्स हमको ऐसे ही उठाकर तवे पर रख देना है। गैस ऑन कर देते हैं, इस पर हल्का सा नीचे ऑयल लगाकर करीब हाफ स्पून करीब ऑयल लगाकर अब इसके ऊपर एयर सीटने के लिए हम रख देते हैं पिज़्ज़ा। इसको हम ढक देंगे करीब 8-10 मिनट के लिए, हल्की गैस पर ही इसको हम सीटने देंगे। ये हमारा हो चुका है, मैंने तवे पे से इसको उतार लिया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, इसे आप खाइए, बनाइए, बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों। आपको मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।